आप सभी का स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज NCR दिल्ली शालीमार गार्डन से नीरू दीदी हमारे धर्मेंद्र जी के यहाँ उनकी ऑर्गेनिक खेती देखने आई हैं। उनकी जिज्ञासा है कि खेती कैसे होती है और ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है। वो प्रकृति के बहुत करीब हैं। वो बता रही हैं कि उन्होंने भी अपनी छत पर बहुत सारी फ्लावर और सब्जियां ये उगाए हुए हैं। तो आज ऑर्गेनिक के लिए लोग ढूंढते फिर रहे हैं, तो देखो और उन्हें सुनो। चलो कुछ नया करते हैं, नीरू दीदी को सुनते हैं धर्मेंद्र जी के साथ। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। ये धर्मेंद्र भैया हैं और ये आपको जमीन, खेती, गांव, बाग, ऑर्गेनिक, ये सब बात की जानकारी देंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आप इनसे पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार भैया। ये बहुत अच्छा लगा आपका खेत देख के, और यहाँ बहुत मेहनत करते हैं आप, दिख रहा है जिस तरीके से आपने सब्जियाँ उगाई हुई हैं। और ऑर्गेनिक से और हमें क्या क्या फायदा हो सकता है? ऑर्गेनिक से बहन जी फर्क बता दीजिए। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक में क्या क्या फर्क है? पहले मैं ऑर्गेनिक के लिए बोल दूं कि ऑर्गेनिक खाने से लाभ होगा क्या और ये कैसे काम करता है, जो हमारा खान पान है वो हमें कैसे प्रभावित करता है, जो हम खाते हैं उसका क्या बनता है, ब्लड बनता है। ब्लड किसकी जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सेलों से बना हुआ होता है। आप अगर खाने की बात करूं, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में भोजन करना चाहिए, वो सेल ही सिस्टम है, सोलर पैनल की तरह काम करता है, ये सेल्स काम करती हैं। तो जो हम खाते हैं उसका ब्लड बनता है, और ब्लड किसकी जरूरत है, सेल्स की जरूरत है, सेल्स की जरूरत है। सारे बॉडी में सेल्स हैं और उनमें वो ब्लड जाता है और उनको एनर्जी देता है। अब ब्लड जो बन रहा है वो खाने से बन रहा है। अब खाना अगर दूषित है, उसमें पेस्टिसाइड या रसायन का प्रकोप है, तो वो सेलों को एनर्जी की जगह उन्हें टॉर्चर करेगा, उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। और जैसा कि दीदी आपको जानकारी होगी कि कई बार क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है गोद में और वो दूध पीता हुआ होता है, तो क्या कहते हैं, कई बार बच्चे की तबीयत खराब होगी तो वो क्या कहते हैं कि माँ ने कुछ गलत खा लिया, इसलिए होगा। अब वही सिस्टम यहाँ है, ये मेरी माँ है धरती, अगर हम इसमें कुछ गलत डालेंगे तो बच्चे बीमार होंगे। बस यही वो सिस्टम है। जो मैं उसी पद्धति पे काम कर रहा हूँ, जो खेत में जाना है वो पेट में आना है। तो हम खेत में क्या डालें, अच्छी चीज डालें, औषधियां डालें जिससे औषधि बन के आए, अमृत आए, जो हमें अमृत लगे, जो हमें औषधि लगे उसका हम बनाएं। जैसे आपने देखा कि बेल सत मैं बना रहा हूँ, भांग सत बना रहा हूँ, तुलसी सत बना रहा हूँ, आपने तुलसी देखी वहाँ पे, तुलसी सत बना रहा हूँ और नीम सत बना रहा हूँ, वहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको। और कीटनाशक मैंने बनाया हुआ है, और वेस्ट कूड़ा कचरा है उसके लिए मैं वेस्ट डिकम्पोजर भी है, जीवामृत भी है। जीवामृत की पद्धति मैं अलग दिखाऊंगा, कैसे मैं अलग तरीके से बनाऊँ, जो लोगों ने कुछ बनाया हुआ कि भाई बेसन के द्वारा वो प्रोटीन्स उनसे भी ज्यादा कंट्रोल करके, वो जो खर्चा है वो कम करके, जीरो बजट पूरा बनाना है किसान को, देना है बना के। क्योंकि एक भाई हम जो काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, तो ये जितनी भी चेतना है वो भगवान दे रहे हैं। और जीरो बजट कैसे बने, ये जो किसान इससे जो वेस्ट होता है, हमारी दलहनी फसलों का वेस्ट होता है, उससे परेशान, उसे कहाँ डालें, कैसे करें, उसको यूज, तो उसको यूज करें, उसकी खाद बनाए। होता है जितना भी फसलों का वेस्ट होता है, फार्मर्स क्योंकि बड़े फार्मर हैं तो वो उस वेस्ट में आग लगा देते हैं, और आग लगाते हैं हर बार। आप NCR में हंगामा होते देखो कि ये फॉग, ये काला धुआं, ये क्यों हो रहा है, पता लगा कि वो जो है पंजाब में पूरी लांक में ऐसे आग लगा दी गई। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी आपसे कि जैसे आजकल गैस की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं इंसानों में, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग गैस की प्रॉब्लम, पेट बढ़ रहे हैं, वजन बढ़ रहे हैं, यंगस्टर्स छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ अच्छा खा रहे हैं, महंगा खा रहे हैं, खूब बढ़िया खा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके पेट बढ़ रहे हैं, वजन बढ़ रहे हैं, उसी से प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी। तो हमारे लिए ऑर्गेनिक किस तरीके से बेहतर है, और लोग इसको एक चीज़ कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि महंगा है,
महंगा है। क्यों महंगा? तो पहले मैं एक क्लियर कर लूं कि गैस बनना और वजन बढ़ना और शरीर के अंदर इतने सारे विकार, तो ऑर्गेनिक से ये लाभ है क्योंकि गैस जो बनती है वो ये एक क्या है, ये एक हवन कुंड है। हम जो आहुति लगा रहे हैं तो वो किस चीज़ की लगा रहे हैं? जैसे मैंने आपको मिर्च का बताया कि हवन का क्या महत्व है, कोई भी चीज़ उसमें डालते हैं तो जितना खाने से वह प्रभाव पड़ता है उससे कई गुना हवन से पड़ता है, यानी कि अग्नि में जाके उसका कई गुना वेग बढ़ जाता है। ऐसी हवन कुंड है ये, इसमें हम गैस का भोजन खा रहे हैं तो गैस ज़्यादा बनाएगा। जो अन्यथा ये फसलें हो रही हैं और लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि यूरिया डाल रहे हैं। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो गैस अगर आप दोगे तो उसका कई गुना अंदर सिस्टम में बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन गैस है जी, हम डालते हैं जी। अगर जैसे हमने आज यूरिया डाला है, अगर यूरिया वाले खेत में आप जाएंगे तो आपको अलग तरह की स्मेल आएगी। तो वो क्या होता है, एक दाना है लेकिन वो फैलने के बाद में पूरी गैस बनाता है, और जब वो गैस हम पौधे को दे रहे हैं और पौधे से फिर वो अन्न पैदा हो रहा है और वो अन्न फिर हम खाएंगे, तो तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें कोई गैस नहीं है। इसमें क्या है भाई, एक मानते हैं कि बायो गैस इसकी निकाली हुई होती है, क्योंकि जो खाद बनती है गोबर की उसकी गैस पहले निकल जाती है। हाँ, क्योंकि खाद जो तभी बनता है जब उसका पूरी गैस निकल जाएगी, क्योंकि खाद विधि की भी मुझे बहुत सारी नॉलेज है, क्योंकि खाद का 2-2.5 फीट से ज्यादा की हाइट नहीं होनी चाहिए जो गोबर का ढेर होता है, और उसमें हर बिलांद भर पर तिरछे छेद होने चाहिए जिससे उसकी हीटिंग निकल जाए, उसके अंदर जो गैस बन रही है बन रही है वो निकलती रहे। तो बहुत सारी विधियां में गैस प्लांट होता है। अब ये देखो कि वो गोबर गैस प्लांट है, उससे गैस निकलती है और हम लाइट भी चूल्हे भी सब कुछ गोबर गैस प्लांट से चलाते हैं। वो गैस उधर निकल गई, उसके बाद वो सैलरी जो बची है वो डंप हो गई, डंप होने के बाद वो गल के वो पूरी तरह गैस रहित हो गई, तो ये बाद वो यहाँ पे यूज की जा रही है। जीजी ने कहा कि ये ऑर्गेनिक महंगा क्यों है जी, उनका सवाल था बाद में कि ये महंगा क्यों है, इसका कारण आप हर कोई इसको क्यों नहीं उगाता अपने खेतों में, हम लोग अच्छा क्यों नहीं खाते, उगाता क्यों नहीं है, और वो खरीदने वाले ऑर्गेनिक को खरीदते क्यों नहीं है, क्यों नहीं खरीदते? वो आप थोड़ा डिफाइन करके इन्हें बताएं। देखो, ऑर्गेनिक पहली बात तो उत्पादन की कमी के कारण, दूसरा उत्पादन अगर हम सही करें, एक कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका हम कुछ भी कर लें उत्पादन ज़्यादा नहीं आ सकता, जैसे गेहूँ। गेहूँ का अगर कोई भी बोल रहा है कि भाई हम उस जहर की पुड़िया के बराबर हम वो ले लेते हैं, यानी कि रसायन के बराबर हम उत्पादन ले सकते हैं, वो गलत है। क्योंकि आपसे जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे आप जानकारी करें कि गेहूँ की पैदावार होती कम थी, मेहमानों को मिलता था, भूता ज़्यादा था, होता कम था। एक्चुअल में क्या है कि आपको जानकारी होगी या ना हो, नो तो साल मैं का आपको, मुझे आपको मैं बता देता हूँ। पहले टाइम में क्या था कि पहले टाइम में ऑर्गेनिक खेती थी और ये मान के चलो कि जब ये ज़मीनें अब हम पे थोड़ी थोड़ी हो गई हैं, लेकिन वो दादाजी और परदादा के ज़माने में, उनके फादर के ज़माने में ये हमारे पास 300-300 बीघे हुआ करती थी। अब 300 बीघा ज़मीन होते हुए किसान गेहूँ की रोटी नहीं खा सकता था। अभी आप कहोगे 300 बीघे जमीन वाला किसान गेहूं की रोटी क्यों नहीं, वो ऑर्गेनिक उगाते थे और ऑर्गेनिक अनाज इतना कम होता था कि वो घर में पूर्ति नहीं होती थी, और वो जौ वगैरह मोटे अनाज खाते थे, जौ बाजरा हाँ ये ऐसे अनाज खाते थे, और गेहूं जो आने वाला गेस्ट है मेहमान है उसके लिए रखते थे। तो आपको मैं ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे छोटे बच्चे, जैसे गुड़िया है, कभी कोई मेहमान आ गया तो बच्चे ये खुश होते थे कि आज गेहूं की रोटी बनेगी, खुशी में मिलेगी, वो एक स्पेशल अच्छा है। मतलब ये देखो, मतलब पुराने टाइम में कैसा होती थी रोटी, तो बच्चों में झगड़ा होता था, वो अब एक लेते थे। दूसरी एक चीज और बताता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में अकाल पड़ा था। अकाल सबको तुम तो नहीं समझ पाओगे, अकाल का मतलब होता है कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा देश में। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा था कि आप ये नहीं है गेहूं, इसलिए एक टाइम खाना खाओ, और उसी टाइम उन्होंने बहुत ज्यादा उसे मेहनत की, और मेहनत करके फिर जय जवान जय किसान का नारा लगाया। और वो बाहर से जो है अच्छे अच्छे बीज लाए, और वो दिन है, आज का दिन है कि भूखे रहने की बात नहीं, इस देश में अब कभी नहीं हो सकती। आज 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो सरकार गेहूं प्रोवाइड करा रही है। आपको ये शायद नहीं पता होगा, ये अमूल का जो कंसेप्ट है और शुरुआत करी थी ये लाल बहादुर शास्त्री ने करी थी। अच्छा अच्छा, गुजरात में सहकारिता, ये दूध का कोऑपरेटिव जो वो मॉडल है वो लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया। बहुत कुछ देखे गए हैं हमें,
उसके लिए मैं बोलूँ, अभी मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि जब इस परिस्थिति को देखते हुए विज्ञान ने बहुत खोज किया तभी ये रसायन निकले, पर इनके दुष्प्रभाव लोगों को तक नहीं पहुँचे। उत्पादन तो दुगना तिगना हो गया पर उसके दुष्प्रभाव लोगों तक नहीं पहुँचे, उसके दुष्प्रभाव आज दिख रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी अस्पताल या किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं तो भीड़ मिलेगी, भीड़ मिलेगी। आप पंजाब में इतना ज़्यादा रसायन का उपयोग होता है कि वहाँ पे एक गंगानगर की तरफ जाती है ट्रेन बठिंडा से, तो वहाँ पे कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गंगानगर में, तो वो बठिंडा से जो ट्रेन चलती है उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है जी। तो वो पूरे उसमें मरीज जाते हैं वहाँ से, तो उस साइड बहुत है, नाम रख दिया कैंसर एक्सप्रेस ही नाम रख दिया। पंजाब में ऐसे नाम रखने का बड़ा शौक है लोगों को, जैसे अमृतसर से हरिद्वार जो पैसेंजर जाती है उसका नाम ही फूलों वाली गाड़ी रखा हुआ है कि इसमें लोगों के फूल जा रहे हैं, फूल आ रहे हैं, वो अस्थियां जा रही हैं, फूल कहते हैं पंजाबी में उनको, फूल इधर भी कहते हैं। असल में महंगा जो है वो इसलिए है, एक तो लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, खरपतवार आप देख रहे हैं कि कितना खरपतवार है इसमें, इसे निकलवाएंगे नहीं तो फसल को हानि होगी, फसल की पैदावार आदि से भी। लेवर से खरपतवार निकलवाएंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो पड़े। वो 300 रुपए झाड़ी है और अगर चार घंटे का केमिकल इसमें डालेंगे तो वो 20 रुपए का केमिकल डालेगा जी, मतलब वो 20 रुपए का केमिकल डाल के पानी में स्प्रे मार दिया, मतलब खरपतवार खत्म। दीदी बिल्कुल 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के बाद में हम कल जब आएंगे तो ये खरपतवार खत्म होंगे। अब कहाँ 300 रुपए, कहाँ 20 रुपए, यही फर्क है। तो ये हर चीज में इसको डिवाइड कर लें तो आगे बढ़ता जाएगा, ये फर्क है। और फिर उसके बाद भी पैदावार कम है, मतलब आप 40% मतलब 60% कम है पैदावार उसकी, 100% और ये 40%। नहीं आज हमने देखा जैसे आपके खेत हैं, आपकी गायें हैं, जितनी हैं वो भी हमने देखा बिल्कुल ऑर्गेनिक, आप उनको खिला रहे हैं जी। सर एक बात बताओ जी सर, ये इसको पॉकेट फ्रेंडली करने के लिए आगे क्या क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए कि जिससे ये पॉकेट फ्रेंडली हो जी, इसकी भी इसका भी उत्पादन बढ़े जी, गुणवत्ता यही रहे और उत्पादन बढ़े। एक चीज मैं बताऊं, सबसे पहले कुछ मत करो कि ये 2000 रुपए दिए हैं मत दो और ले लो हमसे, ये जो 6000 रुपए दिए हैं मोदी जी ने, चलो बहुत अच्छा उन्होंने ठीक किया है लेकिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो मैं ऑर्गेनिक पैदा कर रहा हूँ, जो ऑर्गेनिक पैदा कर रहा हूँ उस ऑर्गेनिक की अलग मार्केट हो, अलग खरीदार हो, बिल्कुल अलग, मतलब जेन्युइन। वहाँ जैसे मान लिया कोई सुपर मार्केट है वो ऐसा ही कुछ ऑर्गेनिक बाजार हो जहाँ सभी ऑर्गेनिक चीजें मिलती हों। अब एक बात और है, आपने गए गेहूं ऑर्गेनिक ले लिया, आम ऑर्गेनिक ले लिया, चावल ऑर्गेनिक ले लिया, बेसन ऑर्गेनिक ले लिया, लेकिन साबुन आप लेके आए किसी कंपनी का तो वो फिर वहां से हमारी स्किन के लिए अनऑर्गेनिक हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पूरा वो मार्केट ऑर्गेनिक सामान से भरा हुआ हो, हम वहां जाएं किसान लोग बेचने के लिए, आप लोग जाएं वहां खरीदने के लिए, सॉफ्टली ये सिस्टम मार्केट हो जाए, पूरा सिस्टम हो। तो सरकार को कोई ऐसा पोर्टल, कोई ऐसी मार्केट कि जहां ऑर्गेनिक चीजें मिलती हों और ऑर्गेनिक चीजें किसान जाके बेचे, और वही लोग जाएंगे जो इसकी वैल्यू समझेंगे, बिल्कुल वो जो वैल्यू समझेंगे अपने शरीर की, अपने बच्चों के शरीर की और हमारी आगे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो अच्छे हैं और वो भी यही तरीका अपनाएं तो ये स्मूथ होगा कि धीरे धीरे इसमें सरकार को बस इतना करना चाहिए, इसकी मंडी सुनिश्चित करनी चाहिए कि मंडी हो, किसान जाए वहाँ दिया है, बिल्कुल। और जो ऑर्गेनिक वाले हैं वो भैया आके ले लें, क्योंकि या वो सरकार अपने ऊपर ले ले या अपनी इस तरह से कुछ ऐसी व्यवस्था कराए कि वो सुपर जैसे आपको जरूरत है, पहले तो ये घर घर पहुँचे जी, घर घर लोग जाने इसको, जाने उसके बाद इसको कैसे इकोनॉमिकल किया जाए, इसको कैसे सस्ता किया जाए, इसके बारे में सरकार को भी अपने इतने इतने बड़े इनके कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक जैविक संस्थान है गाजियाबाद में बना के, इसमें खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इतने बड़े बड़े कृषि विश्वविद्यालय हैं, इसमें भी दो एक दो दो डिपार्टमेंट इसी को ही। दूसरा यंत्र, यंत्र और जो किसान को यंत्र चाहिए कर रही है सरकार थोड़ा थोड़ा, और ये टेस्टिंग जो ऑर्गेनिक की टेस्टिंग है वो फ्री हो जानी चाहिए, जिस पे शुल्क रखा हुआ है वो फ्री हो जानी चाहिए।
ये सबसे बहुत गलत है। सरकार रोल रुका कर रही है और ऑर्गेनिक का चार्ज ले रही है। ऑर्गेनिक पे है, बहुत जोर है कि भाई ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए आप क्या स्मूथ कर रहे हो? आपको पता होना चाहिए, हमारे जैसे चैनल के माध्यम से पता लगा कि धर्मेंद्र जी ऑर्गेनिक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आओ छापा मारो इनके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये नहीं कि चार्ज लें, आप आओ और छापा मारो इनके यहाँ और छापा मार के देखो कि इस जमीन में ऑर्गेनिक है या केमिकल है। बता के नहीं आना है, सीधे आ जाओ और एकदम से मिट्टी चेक कर लो, या इनका ये भुट्टा है इसे तोड़ के ले जाओ आप और जाके इसे चेक करो। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे जेन्युइन सामने आए। बिल्कुल, जो जेन्युइन है वो सामने आए, वो सामने आए। जैसे भाई कोई भी उत्पाद लेकर जा रहा है तो उसका उसकी टेस्टिंग होनी जरूरी है, क्योंकि गलत लोग क्या कर रहे हैं, उसे गलत सामान को बेच रहे हैं और उसका कोई टेस्टिंग नहीं है, उसका कोई टेस्टिंग नहीं है, वो बेचारा गलत सामान खा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसे भ्रष्ट लोगों को पकड़े जो गलत सामान दे रहे हैं और लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। और भैया हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए, हमारे लिए, आने वाले हमारे बच्चों के लिए। और यहाँ आपकी जो हमने गाय देखी, आपका खेत देखा, खेतों में लगी हुई जो चीज़ें देखी, हमारा दिल बहुत प्रसन्न हुआ। ये हाथ में मेरी तोरी पकड़ी हुई है, सब ऑर्गेनिक है। हमने अभी आपसे चावल खरीदे, वो भी ऑर्गेनिक है, उसमें दो क्वालिटी दी आपने। तेल खरीदा आपसे, वो भी ऑर्गेनिक है। बहुत सारी चीज़ें और खरीदी हमने, आलू भी लिया, आम भी लिया हमने, ये सब कुछ, गेहूं भी लिया, ये सब कुछ ऑर्गेनिक, अपने सामने देखा, इवन घी भी लिया हमने इनसे। मुझे तो बहन जी खुशी तब होगी आपका बहुत, जब मेरा उत्पाद खा के आपके स्वस्थ रहेंगे और आप खुद आभास करेंगे कि वाकई में ऑर्गेनिक क्या, ये नाम का ही ऑर्गेनिक है, क्या इसके अंदर कोई गुणवत्ता ऐसी है भी कि हम सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बुलाने दार कुछ अलग। हाँ तो किसान साथियों, आपने धर्मेंद्र जी और नीरू दीदी की बातें सुनी और उनसे जानकारी ली। अगर ये मेरी कोशिश, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से, तो एक बार फिर कहते हैं, भुला दे डर कुछ अलग कर। बातें किसान की, बातें किसान की, अपनी ही